पुलिस ने गौवंशों से भरे ट्रक को पकड़ा, अवैध तमंचा सहित एक तस्कर गिरफ्तार। कौशाम्बी जिले में बीती रात अलग अलग थाना क्षेत्रों में तस्करी के लिए जा रहे 44 अदद गौवंश पुलिस ने बरामद किए, जिसमें से 14 गौवंश की मौत हो गई। पुलिस ने एक तस्कर को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है तथा बाकी के गौवंशों को गौशाला के सुपुर्द कर दिया है। पिपरी इंस्पेक्टर वीके राय रात गश्त पर थे, इसी दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि सराय आकिल की तरफ से मवेशियों को लादकर एक ट्रक प्रयागराज की तरफ जा रहा है। सूचना मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मखौपुर तिराहे के समीप घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखकर ट्रक के आगे लग्जरी कार से चल रहे आसार मौके पाकर फरार हो गए। पुलिस ने मवेशी लदे ट्रक को दबोच लिया। पुलिस को देखते ही तस्कर भी ट्रक छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। ट्रक से पुलिस ने 26 मवेशी बरामद किए हैं। पुलिस ने तस्कर मोहम्मद सईद को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही सैनी थाना क्षेत्र के सायरा ओवरब्रिज पर ट्रक को दौड़कर पुलिस ने पकड़ा। ट्रक से 18 मवेशी बरामद किए हैं, जिसमें 4 मवेशियों की मौत हो गई है। लिखा पढ़ी कर पुलिस ने तस्कर को जेल भेज दिया है। दो थाना क्षेत्रों में कुछ बैल पकड़े गए हैं, क्या कार्रवाई की? कल परसों की रात में थाना तितरी और थाना सैनी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पशुओं से भरी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिसमें गोवंश थे। थाना तितरी में काफ़ी पुलिस ने पीछा किया और प्रभावी चेकिंग करते हुए तीसरी दरोगे को कब्जे में किया, जिसमें 7 जानवरों की मृत्यु हो गई है और उनसे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और गिरफ्तारी करके उनकी कार्रवाई की जा रही है।